एक्सप्रेस से सफर करते हैं तो जानिए 9 से 10 सितंबर के अपडेट, 8 ट्रेनों के स्टेशन भी बदले। नई दिल्ली में होने जा रही G20 समिट के चलते रेल मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाया है। 9 सितंबर को ताज एक्सप्रेस नई दिल्ली, पलवल एक्सप्रेस कोसी कला, नई दिल्ली एक्सप्रेस मथुरा गाजियाबाद EMU और 20 अन्य ट्रेनें आंशिक रूप से 10 सितंबर को ताज एक्सप्रेस और कानपुर आनंद विहार एक्सप्रेस, आनंद विहार कानपुर एक्सप्रेस के अलावा 19 ट्रेनें आंशिक रूप से, 11 सितंबर को 19 ट्रेनें आंशिक रूप से रद्द रहेंगी। 2 घंटे की देरी से चलेगी नई दिल्ली इंटरसिटी। 9 व 10 सितंबर को नई दिल्ली इंटरसिटी 2 घंटे की देरी से चलेगी। यह ट्रेन नई दिल्ली स्टेशन के बदले हजरत निजामुद्दीन स्टेशन तक जाएगी, जबकि यह ट्रेन निजामुद्दीन से आगरा के लिए रवाना होगी। नई दिल्ली से निजामुद्दीन तक ट्रेन का संचालन नहीं होगा। यह ट्रेनों के रूट में बदलाव। छिंदवाड़ा फिरोजपुर एक्सप्रेस, यह 7 से 10 सितंबर तक यह ट्रेन ओखला हजरत निजामुद्दीन नई दिल्ली शकूर बस्ती होते हुए चलेगी। फिरोजपुर छिंदवाड़ा एक्सप्रेस, यह ट्रेन 8 से 10 सितंबर तक दिल्ली में नहीं रुकेगी। ट्रेन का ठहराव पटेल नगर और ओखला स्टेशन में होगा। हम सफ़र एक्सप्रेस यह ट्रेन 8 सितंबर को बादली पटेल नगर ओखला स्टेशन में रुकेगी। इन ट्रेनों का अतिरिक्त ठहराव 9 और 10 सितंबर को हजरत निजामुद्दीन से रानी कमलापति भोपाल के मध्य चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस गाजियाबाद स्टेशन में रुकेगी। रानी कमलापति से नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस, होशियारपुर छावनी एक्सप्रेस, झेलम एक्सप्रेस, अमृतसर सियालदह एक्सप्रेस, मगध एक्सप्रेस, रांची नई दिल्ली एक्सप्रेस, तेजस राजधानी एक्सप्रेस, अमृतसर विशाखापट्टनम एक्सप्रेस, अमृतसर नांदेड़ एक्सप्रेस, इंदौर नई दिल्ली एक्सप्रेस, कोटा श्री माता वैष्णो देवी कटरा एक्सप्रेस, उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज जोन के हिमांशु शेखर ने बताया कि यात्रियों को दिक्कत न हो इसके लिए प्रचार प्रसार किया जा रहा है। स्टेशनों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहेंगे। RPF और GRP को सतर्क कर दिया गया है।